فليتقدم بين الصفين محتسبا. <applause> أيها الأمير، قتلنا عمار بن ياسر الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقتله الفئة الباغية. ما بك يا عبد الله؟ أنحن قتلناه؟ لقد قتله من جاء به. لقد قتله من جاء به لقد قتله من جاء به إن صح تأويل معاوية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قاتل حمزة لأنه أخرجه معه لقتال المشركين يوم أحد جو میرے دل کی بات ہے वो ये है कि वल्ला अगर कभी उस जमाने के अंदर हम मौजूद हो या मैं मोहम्मद अशरफ कादरी मौजूद होता तो मैं तलवार उठा के मौला अली रजी अल्लाह के साथ होता और मौला अली रजी अल्लाह तला की तरफ से हजरत अमीर मुआवजे के लश्कर के साथ मैं लड़ता था तो ये हमारे अकीदे का तकाजा नासबियों का नजरिया क्या है की जी दोनों मुस्त थे हैं जी अब हमें यह फैसला करने का हक नहीं पहुंचता कि हम कहें कि किसका इश्ति सही था और किसका गलत बेकसूर बेखता हजरत मुआविया ये ना रहा में नासे नासे है। इससे नासे की वो जो सहाबा को धमकी लगाए वो जो कहे मैं उस वक़्त होता तो मेरी तलवार से मुआविया ना बचता और आज अगर वो मौजूद नहीं है तो मेरी जुबान से नहीं बच सकता तो सैद ना मुआविया को इस तरह शरीहन धमकी दे मुहर्रम के सेंसिटिव माहौल के अंदर बजाय उसके खिलाफ पर्चे को काटा जाए उसके लिए सहूलतारी की जाए जो बदब हो जाए इसमें कौन सा ऐसा गलत मुताबा है जो मुतालबा करे वो गलत है जो इतजाज की कॉल दे वो गलत है वो इंतजार बना रहा है जो बदब तो करे उसकी आप सहूलत कारी कर रहे हैं सैयद अमीर मुआविया के बारे में ये बेईमान ऐसी वाला था फिर दूसरी अजीब बात पता है क्या जाएंगे सैयद अमीर मुआविया के खिलाफ भी करता है और आगे से कहता है अगर इंसान किसी सहाबी के बारे में बकवास करे तो गोया वो इस बात का ऐलान कर रहा होता है अल्लाह तो इससे राजी है मैं ही बदब से राजी नहीं इसने बड़ी जुर्रत की है मैं हजरत अली के दौर में होता तो और शोबा के खिलाफ तलवार उठाता खुदा की कसम ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है और अब बकवास क्या कर रहे की फौज में रहेंगे, रहेंगे। आहिस्ता लोगों के दिलों से असलाफ की मोहब्बत और अकीदत खत्म इसको लगाम देने की जरूरत है इसको रोको तो इसके खिलाफ भरपूर एहतजा होना चाहिए इसके खिलाफ एफ आई आर होनी चाहिए सोशल मीडिया पे आपको भरपूर करना चाहिए तो जितने भी लोग हैं जिनके भी चैनल चैनल हैं इस टॉपिक पर इंजीनियर के भरपूर करें इसके चैनल को बंद करो करो ये बंदा हमें नहीं नहीं चाहिए किसी कीमत पे हम इसको बर्दाश्त करेंगे आज गुस्ताखी गुस्ताखी की है कल इससे बड़ी होगी और लोगों के मुंह खुल जाएंगे फिर जिन चीजों के ऊपर मुझे ब्लेम किया मेरे खिलाफ एक

बुलंद किया तबकि उस्मानी साहब ने ना अमीर शाम के दफा पे किताब लिखी उनका यार ऐसी तो कोई हदीस की किताबों में नहीं एक बुहारी में मिलती है उसमें भी है हालांकि बुहारी की 3703 हदीस मुस्लिम में भी मौजूद थी लाग 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 था। लेकिन इसको तौफीक नहीं हुई कि वो, वो नकल करता या तो ये जाहिल था पता ही नहीं था, ही था कि इसका तरीक मुस्लिम में है या फिर मुराफत कर रहा था चले हम दूसरा माना नहीं लेते हम कहते हैं जाहिल है यही तो हम आपको कह रहे हैं जाहल है तो इस हदीस में अमल कर रहे हैं कि जिन्होंने हम इसी में तो अमल कर रहे हैं तुम तो हदीस पूरी नहीं बयान कर सके पूरी है 6, 4, 8, के बिन को गाली दे दी थी हजरत ने तो कहा मेरे ने जो एक मुद्द छह सौ ग्राम आधा किलो उसके आधे को भी नहीं पहुंच सकता साढ़े सात किलोमीटर पर फैला हुआ पहाड़ चटियल उसके बराबर सोना भी को खराब कर दे एक सहाबी की इतनी सी गंदुम उसका मुकाबला नहीं हो सकता सुपर कंप्यूटर भी फिर हो जाए सोने के एतबार से आप कैलकुलेट करें इसलिए मैंने कहा था

चलो ना आयो ना दार थले। और है, वो का जो, जो लाहौर ने मेरा क्लिप आधा काटा उसमें आगे अल्फाज थे ये कहते नहीं, हमें इससे भी कोई नहीं असल मसला जो आपने हम अपनी जुबान खोलेंगे मैंने कहा जुबान खोलेंगे जो कुछ नबीलाम ने फरमाया अपनी जुबान हदीस के मुताबिक खोलेंगे इन्होंने कहा कि जुबान खोलेंगे अगला ऐसे ही काट दिया तो मैं जुबान ना खोलूं जो रसुल्ला ने फरमाया अमार को बागारत करेगी अमार उन्हें जन्नत की तरफ बुला रहे होंगे वो जमात जन्नम की तरफ रही होगी अब इन्होंने बनाया हुआ इनको छुपा लेते जाकर अहल जमल के बीच मुझे भी ओ भाई उनका स्टेटस बिल्कुल है उनको तो मोलानी ने माफ़ किया हुआ जी मुस्बा भी, भी, भी मौजूद फजा साहबल की किताब में कि मैं अला से उम्मीद करता हूँ कि ये जो आये है इमान के दिलों से अल्लाह ती दूसरे के बारे में नफर निकाल देगा और वो तख्तों पर आने सामने बैठे हुए होंगे मेरे उस्मान बिनफान तलहा और बारे में लेकिन अल सफिन को मौलानी ने मुआव नहीं किया पड़ी है अल्लाह का भी अमरस व अशियाही अल्लाविया को तबा बर्बाद कर अमर बिना उनके शिह को बर्बाद कर अब उनके शिह को बर्बाद कर आम ही ये आज तक मौजूद है फिर मौलाम ने जब उनसे एलि सिफी के बारे में पूछा उन्होंने कहा कि मेरे साथी तो जन्नत है मैं मुहालफिन के बारे में भी अला से उम्मीद करता हूँ अल्लाह तक बख्श देगा फिर क्या के दिन मेरे और मुआविया के दरमियान मुकदमा तय होगा जो यहाँ भाभी बैठ के खुद तय कर रहे हैं और को पता नहीं ने को ख्वाब दिला दिया जी मैंने ख्वाब में देखा है कि एक महल है जिसमें हजूर बैठे हैं हजरत माविया को बुलाया जाता है हजरत अली को बुलाया जाता है थोड़ी देर बाद हजरत माविया निकलते हैं हैं और कहते हैं, मुझे बख्श दिया गया और हजरत अली निकलते हैं हैं और कहते मुझे मेरा हक हाँ दिला दिया गया एक ख्वाब ख्वाबों के दिन देखिये इतना ख्याल है इनको मामू का चाचू का कोई ख्याल नहीं है हाँ सईदाना अली कजन है ना रसुल्ला के तो चाचू नहीं बनेंगे वो तो आलोल बैद भी है मामू का इतना ख्याल है कि मामू के पीछे पूरी उम्मत को मामू इन्होंने बनाया हुआ है मामू मामू करते रहने और उमैया का नाम ले तो फौरन उस्मान का नाम लेते हैं भाई तो में मूसा इनके पीछे क्यों छुपते हो जाके। हमें बताओगे हमारा तो मुकदमे खिलाफ है राज्य है बुनिया को छुपाते हो उमर बिन के पीछे और फिर चलो यह भी बता दो आए थे की तफसीर मुस्लिम शरीफ से तुमने नहीं की टू एट हदीस की बुखारी बयान नहीं की चलो यह बयान कर दो इस्लाम का पहला मुश्द उमर बिन अब्दुल अजीज 99 हिजरी में खलीफा बने 101 हिजरी में बनू उमैया ने उन्हें सैर देकर कत्ल किया सिर्फ अड़तीस साल की उम्र में मेरी फोर्टी फाइव होने वाली है इतनी छोटी उम्र में उन्हें शहीद किया गया उन्होंने कौन सा गंध साफ किया था कि वो है पहली सदी के का यही बयान कर दो ये भी नहीं कर सकते मां मुनीफा रम्ह अपने शगिर्दो से फरमाते हैं जानते हो अहले शाम हमसे क्यों भूख रखते हैं शगिर्दो ने कहा नहीं फरमाया इसलिए कि हमारा यकीद है कि अगर हम हजरत के दौर में होते तो हजरत अली के साथ मिलकर उनके खिलाफ कल करते हैं यार ये कोई छोटी बात है मैंने मुझे तो अपनी मोहब्बत की वजह से में आई ना उस वक्त तो मुझे इन फतवों का नहीं पता था फिर आपको पता है हर दफा हमारे साथ गैबी मदद आती है फिर ये फतवे सामने आ गए ये किताब उर्दू में भी छप चुकी है हमने तो कभी का फैसला नहीं किया इनका अपना इमाम अहमद हमल का उस्ताद जिससे हदीसे हैं अहमद में इमाम इबन उजाद। उसने लिखा है तकरीब तहजीब में इबरत कलानी ने नकल किया है जुबैली साहब ने क्या रमजान वाली किताब में बकायदा इसका जिक्र किया एक निटोल जिस चीज के तौर पर लेकिन उन्होंने माना है कि उसने कहा फिर भी वो सुनियो का इमाम है क्योंकि अम बिन हम्बल का यानी वाबियों के इमाम का इमाम है वो अली इब्नजात

कतले उस्मान की के क्लास ले ली। पे लेकिन हमें चाहिए कि ना हम नावी है ना हम राफजी हैं हमें अपनी जुबान नहीं खोलनी चाहिए इस मामले में बिल्कुल इसका मतलब है इतना कुछ लिख के भी मुला लिखा माने मैंने जुबान नहीं खोली

लेकिन हमने कभी किसी को यह तरबियत नहीं किया हमारे अगर कोई स्टूडेंट अपने तौर पर करते हैं ना वो वो मैं उनको उनका डेमोक्रेटिक राइट कहता हूं मैं उनको कभी मना नहीं करता मैं वो चीज़ बयान कर रहा हूं जो इस प्लेटफॉर्म से हो रही है किसी को रोकता नहीं हूं लेकिन मैं खुद इस चीज़ के हक में नहीं हूं हमने ये लेगेसी नहीं छोड़नी है कि हमारे स्टूडेंट यहां धरने दें और अमन बर्बाद करें भाई हमारी कोल्ड वार है इल्मी जंग है इल्मी जंग अल्लाह का शुक्र है कि हर जगह हर घर हर बस्ती हर मस्जिद तक पहुंच गई है उसके लिए कोई ऐसी चीज करने की जरूरत नहीं है ना इसकी को टेंशन लेने की जरूरत जी अली भाई अपना कीदा बाजें करें जी मेरा कीदा यह है कि कुरान बुखारी और मुस्लिम में जो कुछ बयान हुआ है इन लोगों के बारे में वो मेरा कीदा है खोल के बयान करें जी खोल के बयान किया सही बुखारी टू एट वन टू और खोला सही मुस्लिम फोर डबल सेवन सिक्स यह तुम्हारे चेहरा लड़का मुआविया कहता है कि हम लोगों को नाकतल करें और हराम तरीके से माल लुटे और कुरान में अल्लाह कहता है सुरान याद नाइन के लोगों को नहकतल ना करो हराम तरीके से माल ना लूटो हम मुआविया की बात माने या अल्लाह की बात माने सही मुस्लिम शरीफ उन्हें खोल के बताने बयान करा और अमर बिना का बेटा कहता है अमर विनास पहले तो वो खमोश होकर सर झुकाते फिर कहते हैं कि मुआविया की तरह करो उन कामों में जो अल्लाह और उसके रसूल के अंदर है और जहां पर नाफरमानी करते है तुम उसकी नाफरमानी करो यह सुनना है मुझसे आपने आपने बुखारी की आपने मुझसे इकतालीस सौ सुननी है क्या मैं अब्दुल्ला बिन उमर के बाप से ज्यादा खिलाफत का हकदार हूं और हबीब बिन मसलमा कहता है कि तुमने वहीं मावे को जवाब क्यों नहीं दिया उन्होंने कहा मैंने रादा कि अपनी घोट खोलू और इसको जवाब दूँ कि तुमसे ज्यादा खिलाफत का हकदार वो है कि तुम बाप बेटा को जिन्होंने इस्लाम की खातिर मारा हुआ है तुम लोग काफिर थे और हम मुसलमान थे फिर मैं फितने के डर से खामोश हो गया खून रेजी के डर से खामोश हो गया फिर मुझे जन्नत की नहमें याद आई और मैंने उन्हीं पर किफ़ायत कर दिया और अबी बिन मसलमा कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर ने खामोश रह के अपनी जान भी बचा ली इज्जत भी बचा ली एक मामू ने दूसरे मामू से अपनी इज्जत और जान बचा ली जिन चीजों के ऊपर तुमने मुझे ब्लेम किया मेरे खिलाफ एक झूठी एफआईआर कटवाई वो तो अब सब सबजुडिसि केस है वो कोर्ट में चल रहा है हम उसके ऊपर अभी नहीं बोलेंगे जब तक कि वो फाइनल कंक्लूजन की तरफ नहीं आता जिन चीजों के ऊपर तुम मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो वो एग्जैक्टली exactly कुरान बुखारी और मुस्लिम के मुताबिक है उससे बढ़कर तुम्हारे नजदीक हमारे लिए तो कुरान और सुन्नत काफी है तुम्हारे बुजुर्गों के अकवाल से मैंने वो सारी बातें बता दी इसके बाद कौन सी गुंजाइश रह गई है कि तुम भागो चढ़े बढ़ो ना आओ मैदानिश गल करो जवाब दो उन बातों का वो देखो जो एक गला फाड़ने वाला मौलवी ठीक है जी हालत देखे उस बंदे की उसने तो जिंदगी मौत का मसला बनू मैया को बना लिया है ठीक है ना और यह हालत होगी जुबानों से अल्लाह ताला कैसे इनकी गलाजतें उगलवा देता है एक दिस घड़ी हुई क्या ना ये मेदा में छुपा हुआ सुन्नत का निबादा हो रहा हुआ वो बदबخت हर वक्त हर टाइम इस खानदान के ऊपर हमला इस खानदान की और तशनी करना एक आदीश हुई है एक आदीश हुई है एक आदीश घड़ी हुई है यानी हैफहूम घड़ा हुआ तो दुरुस्त है कहता है अम्मार को फिया बागिया कतल करेगा वो अम्मार को जहन्नुम की तरफ बुलाता होगा वो अम्मार को जहन्नुम की तरफ बुलाता होगा और ये जो जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला गिरोह था ना ये अमीर मुआविया का था अमीर अमीर मुआविया मुआविया ने किया था अमीरे की तरफ बुलाने वाले जी जी। बुखारी शरीफ की हदीस को उसने ये बोल दिया कभी रफुल्दैन की हदीसों को कोई वाबी बोलेगा घड़ा हुआ ये जब तक अंदर फतूर इतने लेवल पे ना हो ना कि जुबान से उगलना शुरू कर दे बंदा ये गटर भरता है तो ये उगलता है ये ना समझे कि ये गलती से निकला है उसके मुंह से वो अंदर खुमार है जो निकलाया फिर बाद में उसे एहसास हुआ कि वो इंजीनियर पकड़ लेगा कहता नहीं हदीस तो ठीक है मफूम गड़ा है तू दस मफूम के है आया ना दर्द थले दस के ही मफूम चल तू दस दे इस हदीस का मफूम बयान कर दो कहते है जी वो इस्लाम ने फरमाया हजरत अम्बार के बारे में वही है अम्बार अफसोस है अम्मार। वो अमारू एट वन टू अध हाँ। नबी की तामीर के दौरान साहबाकर हेल्प आउट कर रहे हैं बाकी साहबा ने एक एक पत्थर उठाया हुआ अमार यासिर ने दो पत्थर उठाए हुए हैं फिफ्टी प्लस एज है हजूर कुर्ब ए पत्थर अपने वाले नहीं समझने बड़े वाले पहाड़ी पत्थर ईंटे नहीं है हजूर को इतना प्यार आया आपने अपने मुबारक हाथों से सर और दाढ़ी से मट्टी झाड़ी और फोन वही हामार अफसोस अमार तख तुलहू फी अतुल बागिया तुझे एक बागी गुरोह कत्ल करेगा और एक हदीस में यदुरू इलल ज़न्ना वो पुकार रहा होगा बुला रहा होगा अल्लाह की तरफ और जन्नत की तरफ उनको यानी वो बागी जमात को वह याद रू ना होंदार और वो जमात जो है वो दोजा की आग की तरफ बुला रही होगी अब ये इतने सख्त अल्फाज यतीज तो पहले से मौजूद थी इसका फाम बयान किया हुआ है मोहदसिन ने कि कोई भी जो हराम काम है वो जहन्नम में ले जाने वाला काम है इन्होंने तो नहीं शरा बयान करनी मैं कई दफा बयान कर चुका हूं आज फिर कर देता हूं झूठ बोलने वाला जहन्नम की तरफ जाने वाला अमल कर रहा है इसको जहनमी नहीं कहते वो अल्लाह ने फैसला कर रहा है अल्लाह तला चाहे तो माफ कर दे अमल जहन्नम की तरफ लेके जाने वाला खलीफा राशिद की मुखालफत करना जहन्नम में ले जाने वाला अमल है क्यों इसलिए के कुरान में हुक्म आया व व रसूल उलिल अतीसूल अल्लाह की भी इताअत रसूल की भी और अपने हुक्मरान की भी लेकिन कुरान और सुन्नत के दायरे में साथ ही आ गया फ फी रसूल अगर झगड़ा हो जाए फैसला अल्लाह और उसके रसूल से करवाना है तो अली खलीफा राशिद थे उनकी इताअत वाजिब थी इस वजह से ये बात हुई कि वो खलीफा राशिद की मुखालफत कर रहे होंगे जो तो सही मुस्लिम में हदीस है जो इमाम वक्त की बैत के बगैर मरा वो जहलीत की मौत मरा बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि जब पुरफितन दौर आए तो जमातुल मुस्लिमीन और उनके इमाम को पकड़ लेना ए तो आड़ी जमातुल मुस्लिमीन नहीं जब खलीफा राशिद हो उसको पकड़ लेना हत्ता के मुस्लिम में यहाँ तक अल्फाज हैं कि अगर एक खलीफा की बैत हो जाए और जो उसके मुकाबले पर खड़ा हो उसे कतल कर दो और ये तो कुरान में भी है सूरतुल हुजरात के अंदर अगर मुसलमानों का कोई गुरु बागी हो जाए उसके खिलाफ कताल करो यहां तक कि वो तोबा पर अमादा हो इसी के तहत तो जंग सिफीन लड़ी है अली ने तो वो बयान करते हुए कहता है जी फी अतुल बागिया ही नहीं कर रहे फी अतुल था और हदीस पढ़ के कह रहा है मोद अल्लाह ठीक है हाँ अब वो ये कह रहा नहीं मैंने मौा... वैसे मोज अल्लाह लफ्ज नहीं होता माज अल्लाह होता है तो नाम होता है ना साद इबन मुआज ये मीम के ऊपर जबर है माज अल्लाह अल्लाह की पनाह में आते हैं उसने इस पर भी मवाज अल्लाह कहा हदीस पढ़ने के बाद और उसके बाद उसने कहा कि यह कहता है कि वो गुरु हजरत मुआविया का होगा रजी तवाज ओ मवाज अल्ला अलग हैदीजा मवाज अल्ला तू पढ़े ये गुस्ताखी है हम आप पे 295 सी नहीं लगवाएंगे हम आपको दावत तोबा देंगे ये हमारा काम नहीं एफ आई कटवाना या किसी की लाइफ को वर्नरेबल करना हम आपको कहेंगे आप एलानिया आके एलानियाबा कर लें और वैसे उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है आके कि मैं हदीस पे नहीं कर रहा था लेकिन वो जरा दोबारा देखें आपने हदीस पे भी मज़ल्ला बोला हुआ है उसकी अलग से मुआफी मांगे हाँ कि जो हदीस पे मैंने बोला था बस ठीक है तोबा कबूल है हमारे नजदीक तो जो भी बंदा बड़े से बड़ा भी को गुनाह करता है तोबा कर ले काफी है हमने क्यों एफ आई आर कटवानी है उसके ऊपर अब अग्गे टोरो शरा बयान करो वो फिर मुश्किल बन जाएगी चले जो आपके लिख गए ना वही बयान करते ना करियो कहते असलाफ का रास्ता छोड़ दिया आपके असलाफ ने जो कुछ लिखा है वो बयान कर दे वो फिर ये तो नहीं बयान करते थे फिर मैंने बयान किया कि यार इनके इस्लाफ तो बहुत कुछ लिख के गए हैं जो इनकी कांपे टांगेंगी वो मैंने एक एक करके दिखाया से शुरू करते हैं मोहम्मद अब्दुल वहाब साहब के जो बेटा है अब्दुल्ला उसने किताब लिखी सीरत रसूल मैंने तो घन पॉइंट पे नहीं लिखवाई 200 साल पुरानी किताब उर्दू तर्जमे से ये छाप रहे थे इनको पता ही नहीं था उसमें क्या लिखा हुआ है हाँ उसमें उन्होंने लिखा है कि हजरत वाविया रदील्लान्हों ने शहादत उस्मान का झूठा इल्जाम हजरत अली पे लगाया और अल्लाह तला ने मौला अली को बरी कर दिया अब देखें क्या जुमले वो लिख रहे हैं यानी वो पूरे का पूरा नरेटिव ये मान रहे हैं कि ये सारे के सारा ड्रामाबाजी चल रही थी फिर उन्होंने लिखा बनु मैया साठ साल तक मेम्बरों से हजरत अली के लिए तनकीस के जुमले बोलते रहे शतम करवाते रहे अल्लाह ने मौला अली की शान को बुलंद किया फिर उन्होंने मुसनद अहमद की वो हदीस लिखी है जब हजरत रजियाल्ला को आकर अमर बिनास कह रहे हैं वो कतल हो गया यह कह रहे हैं जी बागियों ने मार दिया है। ने मार दिया जीत की फौज ने मारा है वो तो मांग रहे हैं एक निकी हदीशे मैंने कर अबुल गिया ने मारा अंजरा वाला साहब ही है इबन अजर इसकलानी ने कहा उसे वो हदीस कफायत कर जाएगी मुस्लिम शरीफ की के जो असाब उनको जहनम की आगनी छुएगी तो सिलसिले हदीस सयाह में शेख अल्बानी वाबियों के इमाम इस दौर के इमाम बुखारी 1999 नाइन नाइन में फौत हुए सऊदिया के मुहदे आजम रहे अल्बानिया के रहने वाले थे उन्होंने सिलसिले आदीसे में टू थाउजेंड एट नंबर अदीस के कॉन्टेक्ट में लिखा कि ये तावील मुश्किल है जब रसुल्ला का हुक्म खास आ गया तो उसकी फजीलत असाब शजरा वाली उठ गई कि मार का कातिल और माल लूटने वाला जहनम की आग में है मैंने तो नहीं शेख अलबानी से ही लिखवाया ठीक है शेख अलबानी को ये राफजी भी नहीं कह सकते हाँ उन्होंने ना नासमियों को छोड़ा है ना राफजियों को छोड़ा है। और ये भी नहीं कह सकते इजतहादी गलती हो गई है नहीं फतवे चाहिए नीम राफजी फुल राफजी वाले तो वो मोम के बेटे ने अब्दुल्ला ने कहा कि ये हदीस के कि अमरबिनाश जब आए तो माविया ने कहा तुम अपने पेशाब में फिसल रहे हो हमने इसे मारा है इसको तो अली ने मार दिया है हमारे नेजों के दरमियान ला के फेंक दिया है ना ये साथ लेके आता तो ना वो कत्ल होता नाजूबिल्ला इतनी दूर की दूर की तावील भी नहीं कहना चाहिए वन एटी डिग्री तो जब मौला अली को खबर पहुंची तो उन्होंने कहा कि अच्छा इसका मतलब है कि हमजा का कातिल رسول الله، باللہ بالله، أن لے أتي آتے احد میں فليتقدم بين الصفين محتسبا أيها الأمير قتلنا عمار بن ياسر الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقتله الفئة الباغية ما بك يا عبد الله؟ أنحن قتلناه؟ لقد قتله من جاء به لقد قتله من جاء به لقد قتله من جاء به إن صح تأويل معاوية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قاتل حمزة एक फर्जी बात हजरत अली ने की मोटा दिमाग जिनका हो ना उनको समझाने के लिए अगर ये बात मैं करता ये कहते देखो जिसने फर्जी बात की तो गुस्ताखी हो गई कि हजरत हमजा भाई जब हम एक समझाने के लिए बात कर रहे होते हैं वो गुस्ताखी नहीं होती हजरत अली ने भी तो फर्जी बात की ना कि हमजा का कातिल का फिर रसुल्ला थे ये फकी दी मोलाली ने कैसी जबरदस्त फकी दी इसलिए मैंने कहा मेरा नाम अली है ना तो अल्लाह की तरफ से अजाब बन के नाजिल हुए मंगोल जब काबे को मिल गए पासबा से तो आज आपके जो जाली सूफिया है ना उनको इलमी तौर पर अल्लाह के फजल से इस प्लेटफॉर्म से हम एड्रेस कर रहे हैं तो वाबी अपने घर की पहले खबर लेना जवाब दे आज तक किसी वाबी ने जवाब दिया इन बातों का इस किताब को भी नहीं वो डिस्कस करते डरते हैं तो इनकी कितनी बार बोलती बंद हो तो आपको यकीन आएगा कि इनके पल्ले कोई शायद नहीं है बिल्कुल क्लियर कट है बिल्कुल वन साइडेड मुकदमा है फिर वो बार बार मोबाइल लेके चैलेंज कर रहे मैंने इसको एक कहा था कि तू मोबाइल वाली मेंबर से बयान कर दे और कोई जेलमी हो या कोई फैसलाबादी हो या कोई झालवी हो अल्लाह के फदलो करम से उनको ललकारते रहेंगे उनकी आंखों में आंखें डालते रहेंगे मरतेम तक अजमत रसूल के ऊपर और अजमत साहबा के ऊपर इनको मुबाहले का चैलेंज देने के लिए तैयार हैं जब चाहो हमारे मरकज में आओ जब चाहो हमें जेलम में बुला लो तालाना वह निशाना व निशा वन फुसाना वन फुस तो होना चाहिए के है मैं करने और मैंने कहा था है वो बयान कर रही है और साथ इसकी शरा और सलफ का फाहम इब इस हदीस के कॉन्टेक्स में सुनना में क्या लिखा है वो भी बयान कर देना है। टाइम क्या मत है कर बयान जवाब दे रहे हो कहते हैं वो शरह के विषय पड़ गया और कहता है दीश बयान करो यार एल दीश से दीशीश बयान कर रहे हैं कहीं ना तो यह कह रहा हूं कि फतावा लमगीरिया पढ़ना शुरू कर दो मैं कह रहा हूं कि मुस्लिम शिव की दीश सिक्स डबल टू जीरो बयान कर दोमें क्या लिखा हुआ है। नहीं बयान कर सकते उसमें वो चीजें आ जाएंगी जिनसे इनकी कांपें टांगती हैं हमारा मुआविया मुआविया ने हुक्म दिया और पूछा कि तुझे कौन सी चीज मना करती है कि तू अबू तुराब के ऊपर सब ना करे ए जी वो सब का मतलब ना जी तनकीद भी होता है हाँ हाँ रुको जरा सबर करो सिक्स टू नाइन नो दिशा आगे चले जाओ तो वो सब का तर्जमा हुआ है सबका तर्जमाब जी तनकीद नहीं लानत के अल्फाज हैं बनू मैया लानत करवाते थे से। तक की उस्मानी साहब ने ना अमीर शाम के दिफा पर किताब लिखी उन्होंने कहा यार ऐसी तो कोई रिवायत हदीस की किताबों में नहीं एक बुखारी में मिलती है उसमें भी सब का लफ्ज है हालांकि बुखारी की थ्री सेवन जीरो थ्री हदीस मुस्लिम में भी मौजूद थी वहां अल्लाह लाला मौजूद था लेकिन इसको तोफीक नहीं हुई कि वो हदीस वो नकल करता या तो यह जाहिल था इसे पता ही नहीं था कि इसका तरीक मुस्लिम में है या फिर यह मुनाफकत कर रहा था चले हम दूसरा माना नहीं लेते हम कहते हैं जाहिल हैं यही तो हम आपको कह रहे हैं कि आपके लुमा जाहिल हैं अगर ये माना नहीं लेना फिर ये लोग ये मुनाफिक हैं छुपाते हैं उलमा यहूद का किरदार अदा कर रहे हैं और लानत के मुस्तक हो रहे हैं सूरतुल बकरा की आयत नंबर 159 और 160 के तहत जब तक के ये हक हाँ बयान ना करें और आखिरत में जामिया जामत तिरऊद और मिशक्त के अंदर भी हदीस है उसके तहत इनके मुंह में आग की लगाम क्या के दिन डाली जाएगी सारी चीजें फिट होंगी ना फिर फैसला कर लो क्या मानना है इनको जहल मानना है या मुनाफिक मानना है आप खुद ही फैसला करें तो वो चीजें ये नहीं बयान कर सकते अभी विकास ने कहा मैं कभी भी अली को बुरा नहीं कहूंगा तीन बातें ऐसी मैंने सुन रखी हैं मुझे एक भी मिल जाती सुर्ख ऊंटों से बेहतर था सुन मुआविया जब गजब तबू का मौका आया नबीसलाम ने फरमाया कि अली की मेरे साथ वही नस्बत है जो हारून की मूसा के साथ मगर मेरे बात कोई नबी नहीं क्योंकि रसुल्ला छोड़ के जा रहे थे हजरत अली रो पड़े पहला और आखिरी मौका था कि आप जंग में साथ नहीं जा रहे थे हजूर ने आपकी तसली के लिए फरमाया दूसरा मौका हैबर के मौका पर फरमाया कल उस शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और इससे बढ़कर अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं हम पूरी रात इस खुशी में सोए नहीं कि कौन वो खुश नसीब होगा और सुबह मौला अली को हजूर ने बुला के वो झंडा दिया और मुस्लिम शरीब में तो अल्फाज हैं हजरत उमर कहते हैं मुझे कभी जिंदगी में इमारत की ख्वाहिश नहीं हुई थी सवाए उस दिन के कि वो झंडा मुझे मिल जाता जी और तीसरा मौका जब नजरान के ईसाई आए और आले इमरान की आयत नंबर आयत मुबाहला नाजिल हुई इस्लाम को हुक्म दिया गया अपने बेटों को ले आओ अपने घर वालों को ले आओ औरतों को ले आओ खुद भी आ जाओ और ओपन मैदान में जो है वो अल्लाह के हजूर गिड़गड़ाते हैं तो रसुल्ला सईदा अली हसन हुसैन सईद फातमा को लेकर आए और अर्ज की अल्लाई आहलबाई थी अल्लाह मेरे आहुल्बीत है हालांकि हजूर की नौ बीवियाँ थीं उस वक्त किसी को निशाद लेके आए उसमें तो था औरतों को भी ले आओ सही दफातमा को लेके आए स्पेशल प्रोटोकॉल दिया ये तीन फजाइल हैं जिसकी वजह से मैं कभी अली को बुरा नहीं कहूँगा और इब्र माजा में तो आगे चौथी फजीरत भी आई है मनकुन तो मौला अली मौला गदीर खुम का भी जिक्र किया और ये सेम सनद मुस्लिम शरीफ की सुनन सल कुरा के अंदर अली वाले चैप्टर में मौजूद है उसमें सादी वकास का बेटा आगे कहता है कि जितने दिन मुआविया फिर मदीना शरीफ रहे हजरत अली की तनकीस का एक जुमला भी अपनी जुबान से नहीं निकाला ऐसी डांट पिलाई मेरे बाप ने लिहाजा इमाम नब्वी ने जो कहानी कराई थी ना कि वह फजीलत सुनना चाह रहे थे कि बाकी लोग तो गालियां देते हैं आप मुझे कोई हजरत अली के फजायल सुनाए मैं इनको कायल करूं किड्डी दूर दी कहानी और नब्बी 800 साल पहले फोत हो चुका है उसका हाल यह है अधीश की शनासाई का कि वो कह रहे फजीले सुनना चाह रहे थे काश वो अदीस पढ़ लेता सुनना साइकुबरा के अंदर पता चल जाता उसको भी यह पता नहीं चला तो यह जानबूझ के उसने किया ये नब्बी का हाल है तो तुम आजकल मौलियों लेके बैठे हुए हो कम शुरू तो पैंता भाई हां जब दो फिर बन जाए ना फिर काम डालना शुरू हो जाता है ये जेहन में रखिएगा फिर आपने दूसरे की गलतियां बतानी है अपनी गलतियों के ऊपर पर्दा डालना ये सिंपल फार्मूला है। ओ जी नबीसलाम ने फरमाया मेरे साहबा को बुरा मत को बिल्कुल जी हम ही तो इस हदीस पर अमल कर रहे हैं कि जिन्होंने मौला अली पे लामते करवाई हम उनको भी रदी अल्लाह कह रहे हैं हम इसी में तो अमल कर रहे हैं तुम तो यह पूरी नहीं बयान कर सके मुस्लिम में यह पूरी हदीस है सिक्स फोर डबल एट के हजरत अब्दुल गाली दे दी थी हजरत खालिद वलीद ने तो ने कहा खालिद तू मेरे साहबा को बुरा मत कहो अब तुम ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खराद कर दो मेरे साहबी ने जो एक मुद छो ग्राम आधा किलो उसके आधे को भी नहीं पहुंच सकता साढ़े सात किलोमीटर पर फैला हुआ औहद पहाड़ चटियल उसके बराबर सोना भी कोई खराद कर दे एक साहबी की इतनी सी गंदुम उसका मुकाबला नहीं हो सकता सुपर कंप्यूटर भी फेल हो जाए सोने के अतबार से आप कैलकुलेट करें इसलिए मैंने कहा था कि अम्बार यासर को अगर कंपेयर करवाएं तो करोड़ों अरबों मुआविया जितनी जगह पे पूरे हो जाएंगे सोने की कीमत को अगर आप कैलकुलेट करें औ पहाड़ को तो आप छोड़ दें हजरत है अम्बार के मुकाबले पर हमारे मुकाबले पर नहीं बात हो रही ये तो सबसे पहले हुक्म ही उन लोगों का था यह भी हदीस आदि तुम लोगों ने बयान की पूरी हदीस बयान नहीं कर सके खैर इस पर मैं तो घंटों बोल सकता हूं हनफियों को बार मैंने अभी ताजा ताजा एक तोहफा दिया है कहने जी वो अली भाई कह देने जी कि मैं उस दौर में होता तलवार उठा लेता तो भाई क्या करता और मौला अली मेरी ड्यूटी लगाते तो मैंने नारा हैदरी लगाना था ना हाँ मैंने सियासत मुआविया सीधा बात तो नहीं कहना था मैंने तो कहना था खिलाफत राजदा हकचार यार हाँ भाई हज़रत अली ने एहल जमल पे तलवार उठाई एल सिफीन पे उठाई एहले नहरवान पे उठाई तो वहां मैंने न्यूट्रल तो नहीं होना था हाँ मैंने तो मानना था जालियत की मौत मार जाता मुस्लिम शी मेंदीस है जो ख़लीफ़ा वक्त की बैत के बगैर मरा वो जाहलीत की मौत मार गया मैं तो बैत तोड़ के तो गुनागार होता तो मानना था उम्र नंबर फिफ्टी नाइन और फिर दूसरी बात उस जमाने में तो हम भी सा और जब दो साहबा लड़ पड़े आपने तो बोलना ही नहीं बीच में चलो न हो ना, ना कर और बी है वो कराची का जो मुफ्ती है वाबी देवबंदी और जो लाहौर का वाबी आल है दोनों ने मेरा क्लिप आधा काटा उसमें आगे अल्फाज थे ये कहते नहीं हमें इससे भी कोई नहीं इतना असल मसला जो आपने कहा हम अपनी जुबान को मैंने कहा जुबान खोलेंगे कि जो कुछ नबीलाम ने फरमाया अपनी जुबान हदीस के मुताबिक खोलेंगे इन्होंने कहा कि जुबान खोलेंगे अगला ऐसे ही काट दिया तो मैं जुबान ना खोलूं जो रसुल्ला ने फरमाया कि अम्बार को बागी जमात कतल करेगी अम्बार उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुला रहे होंगे वो जमात जहन्नम की तरफ बुला रही होगी अब इन्होंने नया डकोसला बनाया हुआ इनको छुपा लेते हैं जाके अहले जमल के पीछे वो जी जुबैर आयशा भी ओ भई उनका स्टेटस बिल्कुल डिफरेंट है उनको तो मोलाली ने माफ किया हुआ है जी मुसन्बिन शबा में मौजूद की किताब में अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि ये जो आयत है सूरत रहीजर की फोर्टी सेवन के क्या के दिन अहल ईमान के दिलों से अल्लाह तला दूसरे के बारे में नफरत निकाल देगा और वह तख्तों पर आमने सामने बैठे हुए होंगे कि मेरे उस्मान बिन तलहा और जुबैर के बारे में मौलाली ने तो उनको बिल्कुल क्लियर कट चिट दे दी है वो तो मामला ही डिफरेंट है हजरत जुबैर भी जंग छोड़ गए थे अल हकीम के अंदर अदीस मौजूद है हजरत तलहा भी जंग छोड़ गए हाकिम के अंदर मौजूद है मरवान ने उनके घुटने में तीर मार के शहीद कर दिया लेकिन अहफीन को मौलाली ने माफ नहीं किया कनूते नाजला पड़ी है अलई का भी मुआवियत अशिया ही अमर अबन आस व अशिया ही अल्लाह मुआविया और इसके शिया को तबाह बर्बाद कर अमर अबिनास और उनके शिया को बर्बाद कर अबासिया को बर्बाद कर आमीन ये आठ तक मौजूद है और फिर मौलाम ने जब उनसे एहल सिफीन के बारे में पूछा गया उन्होंने कहा कि मेरे साथी तो है ही जन्नती हैं मैं मुखालफी के बारे में भी अल्लाह से उम्मीद करता हूं अल्लाह तुन उनको बख्श देगा फिर क्यामत के दिन मेरे और मुआविया के दरमियान मुकदमा तय होगा जो यहाँ वाभि बैठ के खुद तय कर रहे हैं हाँ। और गजाली को पता नहीं शैतान ने को ख्वाब दिला दिया जी मैंने ख्वाब में देखा है कि एक महल है जिसमें हजूर बैठे हुए हैं हजरत मुआविया को बुलाया जाता है हज़रत अली को बुलाया जाता है थोड़ी देर बाद हज़रत मुआविया निकलते हैं और कहते हैं वल्ला मुझे बख्श दिया गया और हज़रत अली निकलते हैं और कहते हैं वल्ला मुझे मेरा हक दिला दिया गया ए एक ख्वाब ख्वाबों होते दिन खलोते हैं नदा हमारे उस्ताद डॉक्टर साहब अपने में जो जो थी ना जो अज़रत जुबैर के बारे में थी उन्होंने मामू का नाम बीच में में वैसे ही लिख दिया। कुरान में रिकार्ड हो गया। फिर मैंने कहा कि अज़रत क्या कर रहे हैं आप? तो कितनी कुछ हो गई होगी शिकायत से तो ये हमारे लिए कि अल्लाह ताला हमें दोनों को जन्नत में दाखिल करेगा तो हमारे दिलों से ये है जो वो निकाल देगा इतना ख्याल है इनको मामू का चाचू का कोई ख्याल नहीं है हाँ सयदा अली कजन है ना रसुल्ला के तो चाचू नहीं बनेंगे वो तो अहरुल बैत भी है मामू का इतना ख्याल है कि मामू के पीछे पूरी उम्मत को मामू इन्होंने बनाया हुआ है मामू मामू करते रहते न और फिर किस तरह बनु मैया का नाम लें तो फौरन हजरत उस्मान का नाम ले आते हैं भाई हजरत उस्मान उमर बिन अब्दुल अजीज ये तो आले उमैया में ऐसे हैं जैसे आले फिरौन में मूसा इनके पीछे क्यों छुपते हो जाके हमें बताओगे हमारा तो मुकदमा ही खिलाफ ऊपर कायम है बनु उमैया को हजरत उस्मान के पीछे क्यों छुपाते हो उमद बिन अब्दुल अजीज के पीछे और फिर चलो यह भी बता दो आयते मुबाहला की तफसीर मुस्लिम शरीफ से तुमने बयान नहीं की टू एट वन टू बुखारी की कतले मारी बयान नहीं की चलो यह बयान कर दो कि इस्लाम का पहला उमर बिन अब्दुल अजीज दोन हिजरी में खलीफा बने वन जीरो में बनू मैया ने उन्हें जहर दे के कतल किया सिर्फ अड़तीस साल की उम्र में मेरी फोर्टी फाइव होने वाली है इतनी छोटी उम्र में उन्हें शहीद किया गया उन्होंने कौन सा गंध साफ किया था कि वो मुजद्दिद है पहली सदी के बनू मैया का गंध यही बयान कर दो ये भी नहीं कर सकते जी उमर बिन अब्दुल रजीज भी तो बनू मैया से जी बिल्कुल वो मुजद्दिद है जी बिल्कुल, बिल्कुल। क्या किया ना ना पूछो फिर ब्रेक लग जाने ने। आफा तुक मिनिबादिल किताब व तकफ़रून बिबाद यकीन करें हमारे एक बड़े करीबी पाकिस्तान लेवल के अहले हदीस आलिम है सिक्सटी प्लस उनकी एज है वो मुझे कहते हैं इंजीनियर साहब मैं कटर नास्वी था फिर अल्लाह ने हिदायत जब दी तो मैं इस रिजल्ट पे पहुँचूँ कहते हैं मैं कुरान पढ़ता था मैं कहता था उलमा यहूद जो कुछ करते थे तो आज मुझे ये वबीमा उलमा यहूद की मिसाल नज़र आते हैं जिस तरह ये ये जानबूझ के अदीस के साथ ये कुछ कर रहे हैं जिनको नहीं पता उनको तो छोड़ दे इसीलिए बغदू भी अलिम हुए में हमी तो नहीं बाबा जी ने क्या छाड़ दे उनदी केड़ी गाल है ते सूरा दे सूर ने हां सूरा दे सूर हम हाँ, नहीं कह रहे बाबा जी ने कहा है हाँ बाबा जी ने कहा कहना उन वड्डा दाhlas समझो ते बड़े-बड़े तो लोग हम गदावनो खैर पाई चलिए ओ भाभीयाज ऑनलाइन द गड़ा द रे द सूर द सूरम चलो चलिए तू भावे कह के एक तस्बी में परोया हुआ इ اتحاد हो चुका है हमारे मुतालबात आपके सामने हैं हम आपको बारह ये कह चुके हैं कि अहलेदीस जो बंदी और बरेलवी اتحاد एक तस्बी की तरह हो चुका है एक कुवत और ताकत बन चुका है वर्ड के परे मारी तेरी तस्बीहुने जो हम मर्जी कर लो तो अल्लाह से डरे हमने ये सारी की सारी बातें अब इनके इमामों से साबित की हैं कि अल्लाह के बंदो इमाम अबू हनीफा के फजाइल पे किताब लिखी गई आज से 1100 साल पहले 340 हिजरी में फौत हुए अबू मोहम्मद हारथी जिन्होंने हनीफा के फजाइल पे किताब लिखी है उसमें बाकायदा उन्होंने पूरी सनद के साथ लिखा है वो कहते हैं जी वो तो ही बंदा ही जईीफ है वो बंदा जयीफ तो अल्लाह तो बंदे वाभिया ने नजदीक है ना अनफिया इमाम है वाभियों के नजदीक तो इमाम मुनीफा खुद जयीफ है हाँ हदीज की फील्ड में तो वो उसके अंदर अंदर जो चीज है वो तो लेनी है ना आपने के इमामफा रमत अपने शगिर्दो से फरमाते हैं जानते हो अहल शाम हमसे क्यों बुक्स रखते हैं शगिर्दो ने कहा नहीं फरमाया इसलिए कि हमारा ये अकीदा है कि अगर हम हजरत मुआविया के दौर में होते हैं तो हजरत अली के साथ मिलकर उनके खिलाफ कें यार ये कुछ छोटी बात है मैंने मुझे तो अपनी मोहब्बत की वजह से यहन में आई ना उस वक्त तक तो मुझे इन फतवों का नहीं पता था फिर आपको पता है, हर दफा हमारे साथ गैबी मदद आती है फिर यह फतवे सामने आ गए ये किताब उर्दू में भी छाप चुकी है उससे बढ़कर मुफ्ती आजम पाकिस्तान बरेलवियों के मुफ्ती अशरफ कदरी साहब फौत हो चुके मेरी उनसे मुलाकात हुई थी टू के अंदर ये मराड़िया पीर अफजल कादरी साहब के वो भाई थे गुजरात के अंदर उनका सुन्नत रसाला उस वक्त निकलता था उस वक्त भी भी थे, तो हम भी मंगवाते थे तकसीम करते थे उनकी वीडियो सामने आ गई जब वो मेरे शाम के हाक में नारे लगवाए थे ना कराची वाले बापा जानी ने बेखता बेगुनाम आविया उसके जवाब में उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड कराई उसमें उन्होंने कहा मेरा तो येदा कि मैं हजरत अली के दौर में होता तो हजरत अली के साथ मिलकर हजरत मुआवजा के खिलाफ किताल करता जो मेरे दिल की बात है वो ये है कि वल्ला अगर कभी उस जमाने के अंदर हम मौजूद हो या मैं मोहम्मद अशरफ कादरी तो मैं तलवार उठा के मौला अली रदी अल्लाह तु के साथ होता और मौला अली रदी अल्लाह तला की तरफ से हजरत मीर मुआवजा के लश्कर के साथ में लड़ता था तो ये हमारे अकीदे का तकाजा नासबियों का नजरिया क्या है की जी दोनों मुश्तद थे हैं जी अब हमें यह फैसला करने का हक नहीं पहुंचता कि हम कहें कि किसका इश्हा सही था और किसका गलत हजरत ये नाबियत नारा। नारा। है की बुवत। बुवत। अच्छा वो उनकी वीडियो कई साल से लोग शेयर करवा रहे थे बापा जानी के खिलाफ खुद ब्रेलवी कि इसने गलत किया फिर बापा जानी ने रुझू भी कर लिया उस वक्त यह जुमले में गुस्साखी किसी को नहीं नजर आई सोचा मैंने आपको कहा था ना मैं कहूं ना खुदा एक है और मैं हर वीडियो में कहूं कोई नहीं है दो शुरू हैं इतने बुक्स में में है। वरना तो तुम्हारे सबसे बड़े इमाम इमाम के बाद वो हैं जिनके ऊपर पूरी हनफियत खड़ी है बदरुद्दीन आईनी जिन्होंने शरा लिखी है बुखारी की अहमदतुल आरी एट फिफ्टी फाइव इजरी में फौत हुए उन्होंने हदीस मार के कॉन्टेक्स्ट में बुखारी में एक और हदीस है सेवन जीरो एट थ्री कि एक मुसलमान दूसरे पर तलवार सौंध ले तो दोनों जहनवी है वो अक्सर लोग पेश भी करते हैं ये उस सूरत में जब लिसानियत की बुनियाद पर कोई कर रहा हो अगर कोई अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए एक मुसलमान दूसरे पे तलवार सौंपता है ना तो वो कुरान में सूर्य उजरात में हुक्म है कि मुसलमानों का गुरो बागी हो तो किताल करो जी इसमें जंग जमत सिफीन नवान नहीं आती है हजरत अली ने तो अल्लाह का हुक्म पूरा किया तो इसके कॉन्टेक्स में वो लिखते हैं कि अलामा किरबानी तो कहते हैं को एक अजर मिलेगा और अली को दो उन्होंने कहा मैं ये कहता हूं कि जब हदीस अम्बार पहुंच चुकी थी हजरत माविया को तुम उन्हें एक अजर की बिशारत कैसे सुना सकते हो क्या हजरत माविया इस पर राजी नहीं है कि उन्हें अल्लाह तला के के दिन बराबरी छोड़ दे बजाय इसके कि उन्हें एक अजर भी दिया जाए ये इतने सख्त अल्फ लिखे हमने तो कभी का फैसला नहीं किया इनका अपना इमाम आम नंबल का उस्ताद जिससे उससे हैं है अहमद में इमाम इबन उल उसने लिखा है तकरीब तहजीब में इबन ने नकल किया है जुबैल जुबैली साहब ने क्या रमजान वाली किताब में बाकायदा इसका जिक्र किया है एक निटोरियस चीज के तौर पे लेकिन उन्होंने माना है कि ये उसने कहा है फिर भी वो सुनियों का इमाम है क्योंकि अम हम्बल का यानी वाबियों के इमाम का इमाम है वो अली अल जात वो कहता है क्यामत के दिन अगर मुझे बताया जाए कि मुआविया को अल्लाह अजाब दे रहा है तो मुझे कोई दुख नहीं होगा अंदाजा करो वो तो पुणे बैठा है हाँ हम कह रहे हैं वो तो कुछ और कह रहे हैं फिर उससे भी पीछे इनका बड़ा इमाम ताबी इब्ने सीरीन अबू दाऊद के अंदर मौजूद है हदीस अजर मुआविया से ले रहा है और कह रहा है वकान फिल हदीस मुआविया से मैं हदीस तो बयान कर रहा हूं लेकिन अदीस भी झूठ नहीं सी बोल रहा हाँ अब बकर उमर उस्मान की हदीसें बयान करते हुए तो नहीं अब कहता के अब वो ये तो नहीं कह सकते वैसे झूठा सी ये नहीं कह सकते कि तरीका ही है वकान मुआवियत उला युता हदीस हदीस के मामले में उस पर कोई तोहमत नहीं है कि उसने कभी झूठ किया हो हदीस ये तुम्हारा तो भी ये मौके है नहीं हदीस सब ने माशा ये अल्लाह के नबीम ने उनकी इतनी तरबियत की थी कि इससे वो डरते थे इस पर मेरा क्लिप भी रिकॉर्ड हो चुका है इन कुछ दिनों में अपलोड हो जाएगा तो ये कारी वाले को तो किसी ने नहीं पकड़ा फिर मुला अली कारी जी और ये सारे वो हैं जो वाबी भी जिनको इमाम मान रहे हैं अली कारी को तो बड़ा कोट करते हैं उसने मिरका शरा लिखी है मिशकात की फाइव एट सेवन एट में हदीस आई है वो कतले मार वाली उस कॉन्टेक्स्ट में इतने सख्त जुमले कि मैं हूं कि कैमरे का लेंस फट जाए हाँ और उर्दू तर्जमा जो बंदियों ने छाप दिया है और सब कुछ लिखा हुआ है उससे भी सख्त बातें लिखी है लेकिन वो मैं बयान इसलिए नहीं कर रहा कि वो कारी ने सिर्फ नकल किए हैं असलाफ के अकबाल वो तो इससे भी सख्त है वो आपको शौक हो तो आप खुद ही पढ़े करता मैं वो बयान करता हूं जो मुला कारी ने खुद लिखा है कि मैं ये कहता हूं बाकी भाग जाएंगे नहीं उन्होंने तो नकल किया पुराने बुजुर्गों का थे। पुराने कह ने फिर वो भी दसो ना चले छोड़े उसको अली कारी कहता है कि मैं ये कहता हूं कि हजरत मुआविया पर वाजिब था कि वो हजरत अली की बैत करते नंबर वन नंबर टू हुकूमत की खिलाफत की लालच तरक कर देते जो दिल में उन्होंने छुपाई भी थी ये अल्फाज उन्होंने लिखे नंबर थ्री उन्होंने कत्ले उस्मान को अपनी ढाल बना लिया हुआ था और अंदर बगावत छुपाए हुए थे वो कह रहे हैं कतले उस्मान एक तरह पॉलिटिशियंस किया एक तरीका होता है ना सामने कोई और बात रखना अंदर और बात नंबर फोर वो कहते हैं कि कत्ले मार वाली हदीस हजरत मुआविया की छुपी हुई बगावत जो कत्ले उस्मान की ढाल के पीछे छुपी थी उसे जाहिर कर देती है अब तो हजूर नहीं बता दिया कि अंदर कुछ और था और नंबर फाइव हजरत मुआविया के इस अमल से कुरान और सुन्नत दोनों पीठ के पीछे डाले गए महजूर हो गए फिर एंड पे उनको हुआ कि मैं वावई क्लास ले ली एंड पे लिखा लेकिन हमें चाहिए कि ना हम नासबी हैं ना हम रावजी हैं हमें अपनी जुबान नहीं खोलनी चाहिए इस मामले में बिल्कुल इसका मतलब है इतना कुछ लिख के भी मुला मान है मैंने जुबान नहीं खोली <laughs> है हाँ। तो फिर इससे तो जुबान और क्या खोलनी थी तो सर फिर कोई दुनिया का रावजी भी जुबान नहीं खोल रहा सवाए उसके के जो तकवीर कर रहा हो या मुनाफिक कह रहा हो क्योंकि इतने डांटे जुमले और किसी ने लिखे आप मुझे बताओ कराची का वो मुफ्ती देवबंदियों का वह अभी देवबंदियों का इस फतवे का क्या जवाब दे बजाय इसके के वो कोई कहानी करा के साइड पर हो जाए हालांकि हमें पता है इससे इसके बड़ों ने बड़ा डांटा है कि तू कितने जाके चकिए आठ दे देता है वो हमें मिलती रहती है ना खबरें हार्जे की हमारे लोग मौजूद हैं वो दुआएं मांगते हैं सामने ना आके बैठे तो अच्छा ये समझ रहे हैं। सामने बैठे तो नुकसान ज्यादा होगा सामने बैठने के बगैर ही इतना नुकसान हो चुका है अल्लाह के फजल से आपके फिरकों को अब इसकी रेमेडी मुमकिन नहीं है क्योंकि अब पब्लिकली ये चीज आ गई है इन्होंने ट्रेंड चलाया ट्विटर के ऊपर ठीक है टॉप ट्रेंड बना उसके अंदर कॉमेंट नाइनटी मेरे हक में थे लोगों ने कैडी जी टू एट वन टू एट मुसीबत है आज गुस्ताख ट्रैक्टर टू एट वन टू हाँज अल्लाह गुस्ताख मोटर बाइक टू एट वन टू गुस्ताख कार अब आ गई है टू एट वन टू अब लोग पूछ रहे हैं टू एट वन टू है क्या इसकी शरा बयान करें शरा कहां से बयान करें उन्हें तो पता है इसमें क्या हुआ है वो मुसनद अहमद में कितनी हदीसें हैं चार तो मैंने क्रिटिकल अदीस बयान की हैं कि अबुल गदिया से ये सारा अमल हुआ था वो किस जमात के अंदर थे वो इनको पता है तो मैं अब बार बार इन चीजों को इसलिए नहीं बोलता कि यार फिर ये उन चीजों को पकड़ते हैं जी मौजू ये बनाता है मौजू तो डॉक्टर जाकिर नाइक दो हजार नौ में यजीद को हो कह के बशारत ना सुनाता तो मैं मैदान में ना उतरता एज फार एज That

उस वक्त मैं इसलिए कह रहा था कि वो आपका वर्जन था मुझे तो पता ही नहीं था कि असल काम यजीद ने नहीं डाला हुआ जब आपने मेरे खिलाफ क्लिप रिकॉर्ड कराए ना और इन्होंने इनसे बेवकूफी ये हुई कि जब मेरा वो लेक्चर आया ना 2011, 10 दिसंबर 2011 को उसैनीत और जजीदीत का तहकी की जाएगा उसके बाद इन्होंने बजाय जाकिर नायक को बुरा कहने के मुझे बुरा कहते हुए कि ये तो इसका मतलब है फिर तुम मजदूर माविया को भी आप बुरा कहोगे जिन्होंने उसको लगाया था गए हैं चक्कर ही सन कि मैं किसी ने दब जाऊंगा मैंने फिर उस पर तहकीक शुरू की अल्लाह भला का तारुफ हो गया जुबैर से डिस्कशन की मुझे ओए ओए काम ही कुछ और पेगा ठहर जाओ फिर ए चक्कर सन मैं दब जागा ना 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 भाई हमारे लिए तो नबी के जैसा है ही कोई नहीं बाबे कोई नहीं हाँ अच्छा ये जुमले सारे बोलते रहे हैं मुसरद में हदीस है अब्दुल्ला की हदीस सुनाता हूँ और तुम मुझे कहते हो कि अबू बकर और उमर ने यह किया पाबंदी लगाई थी ना तो किसी ने इबन अब्बास को यह कहने की कोशिश की हजत मतो पर तो उमर ने बंदी लगाई थी उन्होंने कहा मैं तो रसुल्ला की दीशें बयान कर रहा हूँ कि आपने हजत मतो किया तुम पे तो पत्थर बरसने चाहिए कि तुम रसुल्ला के मुकाबले पर अबू बकर उमर के अखबाल पेश कर रहे हो तो अगर इबन अब्बास हमें यह कीदा दे रहे हैं कि हदीस के मुकाबले पर अबू बकर उमर के अकवाल भी नहीं लिए जाएंगे सरकार तो आड़े बाबे थे, शाय कोई नहीं तो उथे ही नहीं घोड़े कदम खाक उड़ के नतने चवे तुम जी कहानी कराई है तो भी नहीं बुखारी मुस्लिम में ही है हजरत उस्मान गनी रती अल्लाह तुमने जब हजत मतों पर बंदी लगाई तो हजरत अली ने कहा मैं हाज और उम्र इकट्ठा करूंगा मैं किसी शख्स के कहने पर रसुल्ला की सुन्नत नहीं छोड़ सकता फिर तिरवजी में जो अदीस मौजूद है सयदन अब्दुल्लामर उदी अल्लाह बारे में पहले शाम में से एक शख्स आके पूछता है कहानी करा रहा है कहते अच्छा दसो अगर जो है वो हजित मतों के बारे में क्या हजित मतो जायज है कि नहीं पहले वो केरू डाल रहा है उनका जायज सुन्नत है उनका आपके वाले तो मना करते थे उन्हों काम उन्होंने उसी के तो पहले उन्होंने कहा बताओ अगर किसी बात में रसुल्ला कोई चीज इर्शाद फरमाए और मेरे वाले मुखालफत करे तो रसुल्ला की बात मानी जाएगी मेरे बाप की उन्होंने कहा तो हजे तमत्तो किया तमत्तो इस हवाले से एक ही सफर में हाजो उम्रा इकट्ठा किया चाहे किरान की शक्ल में हो चाहे तमत्तो की शक्ल में और मुशरकिन की जो रस्म थी वो तोड़ दी ताकि उम्मत के लिए बार बार सफर न करके आना पड़े हमें तो यह बताया गया हमें तो आप लोग कल तक यह बताते थे कि फातिमा भी चोरी करे तो उसके हाथ भी कटेंगे बुखारी में है। आज आप हमें कहते हैं जनाब ये कौन सी बातें कर रहे हैं भाई कुरान है है हदीस ये किसी की जाति गुफ्तु नहीं है मैं वजू करके बैठा था कि मैं नहीं बोलूंगा इस मौजू पर फिर भी मनु ट्रिगर किया हाँ। क्योंकि मैंने जब स्पेशल टॉपिक्स पे बोलना होता है ना उसका मैं सो मोटो लेता हूं वो मैं फिर शुरू में बोलता हूं जिस तरह आज मैं सलाब के केस में बोला बस मैंने वही करंट अफेयर डिस्कस करना होता है बीच में जो कुछ होता है ना ये आप लोगों की अजीमत जोर लगा रही तो आज कोई बंदा ऐसा बैठा होगा जिहे अंदर कोई ऐसी तड़प है कि उदा इखलास जोड़ा है ना वो काम कर गया तो अल्लाह ने मेरी जुबान पर ये चीजें जारी कर दी है अदरवाइज मैं आज पक्का करके बैठा होता है देखें पिछली इतवार मैंने छोड़ी उससे पिछली इतवार छोड़ दी इस दफा भी रात तक मुझे जवाब पख तो, के के छोड़ते हैं ये तो बस इनशा मुनकरीन हदीस हो चुके हैं हमें पता था ये हो जाएंगे हो चुके हैं ना यदीश अम्बार की शराब बयान कर सकते हैं ना मुबाले वाली हदीस की बयान कर सकते हैं ना कोई और अहदीस ये खोल के बयान कर सकते हैं इनके पल्ले शाही कोई नहीं है सवाए अब मैंने आपको कहा था कि आज तक तो शिया ने अली ने गए ना अब क्या मत तक बनू मैया शिया जो है ना इनके गम का इनका पिट आपा शुरू हो चुका है इनशाला बाकी ये जो एक्सप्लाइट करते हैं धरने दे के मुझे बताए मैं धरने दे के एफ आई आर नहीं कटा सकता पूरे पाकिस्तान में जितने वापी है ना उससे दस गुना मेरे स्टूडेंट हैं तो इनको मैं इस तरीके से अगर करना शुरू करूं मैं नहीं वनरेबल कर सकता लेकिन हमने कभी किसी को यह तरबियत नहीं किया है हमारे अगर कोई स्टूडेंट अपने तौर पे करते हैं ना वो वो मैं उनको उनका डेमोक्रेटिक राइट कहता हूं मैं उनको कभी मना नहीं करता मैं वो चीज बयान कर रहा हूं जो इस प्लेटफॉर्म से हो रही है किसी को रोकता नहीं हूं लेकिन मैं खुद इस चीज के हक में नहीं हूं हमने ये लेगेसी नहीं छोड़नी है कि हमारे स्टूडेंट धरने दें और अमन बर्बाद करें भाई हमारी ये कोल्ड वॉर है इलमी जंग है इलमी जंग अल्लाह का शुक्र है कि हर जगह हर घर हर बस्ती हर मस्जिद तक पहुंच गई है उसके लिए कोई ऐसी चीज करने की जरूरत नहीं और ना इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत है इनकी क्या औकात है वो अल्लाह के फजल से जब वो चीजें आती हैं मुझे बताएं जब ये वीडियो प्रोड्यूस करेंगे हमें जब बुलाया जाएगा हम बता देंगे कि पूरी वीडियो यूं है ये तो अल्फाज ही नहीं थे उसमें था कि हम बोलेंगे जो रसूलुल्लाह की हदीस है जुबान अपनी बंद नहीं करेंगे खुद क्या बोलना है और खुद तो मैं रदी रदील्ला कह रहा हूं एक लेक्चर में तुम कहते हो कि ये उनको नाउज बिल्ला काफिर कहता है।, का है, है खुद से ही और दूसरी जगह कहता है कि ये रदी अल्लाह नो भी कहता है खुद ब खुद पकड़े जाते हैं ठीक है कभी किसी भी चीज के पीछे छुपते हैं कभी किसी चीज के पीछे जाके छुपते हैं खुदा के लिए अल्लाह से डर जाए मैंने जो कुछ बयान करना है वो कुरान और सुन से बयान करना है जी अली भाई अपना कीदा वाजे करें जी मेरा कीदा ये है कि कुरान बुखारी और मुस्लिम में जो कुछ बयान हुआ है इन लोगों के बारे में वो मेरा कीदा है खोल के बयान करें जी खोल के बयान किया सही बुखारी टू एट वन टू और खोला सही मुस्लिम फोर डबल सेवन सिक्स ये तुम्हारे चेचा का लड़का मुआविया कहता है कि हम लोगों को नाहक कतल करें और हराम तरीके से माल लूटे और कुरान में अल्लाह कहता है सूर्य आयत नंबर ट्वेंटी नाइन के लोगों को नाह कतल ना करो हराम तरीके से माल ना लूटो हम मुआविया की बात माने या अल्लाह की बात माने सही मुस्लिम शरीफ उन्हें खोल के तो बयान करा और अमर बिन आस का बेटा कहते हैं वो खामोश होकर सर झुकाते हैं जो अल्लाह के, के अंदर है। और जहां पे वो अल्ला की नाफरमानी का नाफरमानी करो यह सुनने मुझसे अब आपने आपने बुखारी की आपने मुझसे इकतालीस आठ सुननी है मैं अब्दुल्ला बिन उमर के बाप से ज्यादा खिलाफत का हकदार हूं और हबीब बिन मसलमा कहते हैं कि तुमने वहीं माविया को जवाब क्यों नहीं दिया उन्होंने कहा मैंने इरादा किया अपनी गोट खोलूँ और इसको जवाब दूँ कि तुझसे ज़्यादा खिलाफत का हकदार वो है कि तुम बाप बेटा को जिन्होंने इस्लाम की खातर मारा हुआ है तुम लोग काफिर थे और हम मुसलमान थे फिर मैं फ़ितने के डर से खामोश हो गया खून रेजी के डर से खामोश हो गया फिर मुझे जन्नत की नेमतें याद आईं और मैंने उन्हीं पे किफ़ायत कर दिया और हबीब बिन मसलमा कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर ने खामोश रह के अपनी जान भी बचा ली इज्जत भी बचा ली एक मामू ने दूसरे मामू से अपनी इज्जत और जान बचा ली अब्दुल्ला बिन उमर मामू नहीं है अब्दुल्ला बिन उमर का कातिल का कौन बनू मैया सही बुखारी में अजाज बिन यूसुफ ने, ने नेजा मरवाया मोहम्मद बिन अबी बकर का कातिल का कौन हाकिम खोले सही मुस्लिम में भी मौजूद बनु मैया अब्दुलमान बिन अबी बकर का कातिल का कौन बनू मैया सही बुखारी में नहीं है फोर एट टू सेवन जब वो मरवान कहता है कि अल्लाह ने मीर उमोमिन को सुझाया है। वो उम्मत के वसीतर मुफाद में अपने बेटे जजीद मुआविया को अपने बाद खलीफा चुनना चाहते हैं ओ अब्दुल अभी बकरो गया उन्हें क्या सीधी तरह क्या तेरा मीर उमोमिन कैसर किसरा के तरीके पे चलना चाहता है अबू बकर उमर के तरीके पे नहीं लेकिन बुखारी ने लिखा कुछ कह दिया लेकिन इमाम हाकिम ने सुनसाइल कुकुबरा के अंदर पूरी तफसी है और सूर अहकाफ की आयत नंबर सेवनटीन में कसीर ने सारी चीजें जमा कर दी है इबन कसी मैं भी और गैर वाबियां अहकाफ आयर से वो आयत पड़ी थी उसने फड़ो अब्दुलरमान बी नबी बकर वो भाग के घुस गए हजरत आयशा के उजरे में तो बाहर से बकवास करना शुरू हो गया क्या अब बकर के बेटे तेरे बारे में है कि तूने अपने माँ बाप से कहा था कि ये जो तुम मुझे कहते हो मरने के बाद जिंदा किया जाऊंगा अगले लोगों की कहानियां तू कुरान की बेहमती करता था तू काफिर था उस वक्त तो हजरत आयशा ने कहा उसको खामोश हो जा आले अबी बकर के बारे में सिर्फ वो आयात हैं जो मेरे बारे में सूर्य नूर में नाजिल हुई हैं और हाकिम में और बाकी किताबों में है जो इबन कसीम नकल किया उन्होंने कहा तेरे बारे में था कि हकम पे लानत उसकी औलाद पे लानत तू उसी हकम का बेटा है ना तू अपने बाप की पुश्त में था तो अल्लाह के नबी तुझे लानत करके ये मैं बयान करूं फिर चले इसकी शराब बयान कर दे। केड़ी -केड़ी चीज़, मैं करा। जो जो चीज़ खोलूंगा आप उसकी जब करने होंगे, तो फिर आपके लिए कांपे टांगेंगी इसके लिए मैंने सारे मसले खत्म कर दिए मैंने करबला के ऊपर लिख दिया फाइव बी दो सौ आदिश जमा कर दिए और कराची का मुफ्ती उसके बारे में भी कह रहा था लफ्स बोल रहा था हाँ अदीशा नु कहते हैं इन्ह दुबान लड़खड़ा गई ने सारे अखलाकियात इनके खत्म हो गए ओ पड़ोनू बुखारी मुस्लिम है उसमें ज्यादातर बाकियों के ऊपर तहकीम लगी हुई है शेख अलबानी की शेख जुबैली जई की शेख शुैब अरनौद की रही महमूल अजमैन सुलैम असद की गुलाम उफा जहीर की इरशादुलक असरी की एक अधिसीस ऐसी नहीं है जिसके ऊपर किसी ना किसी इमाम की तहकीम सेहत वाली ना लगी हो दो सौ अधिसीसें जमा की हैं और खुलफादीन से लेकर शहादत हुसैन अली तक पूरा मुकदमा मैंने दो सो अदीस में बयान कर दिया है अरबी में उर्दू में इंग्लिश में हिंदी में बंगला में पी डी एफ आप डाउनलोड करें फ्री मंगवाएं हमारी अकेडमी में सुबह नौ से पांच बजे तक रहा करें जीरो थ्री टू वन फाइव नाइन डबल जीरो डाक का तीन सौ खर्चा आपने देना है फ्री ये बारह का पैकेज आएगा ये रिसर्च पेपर और नौ टोटल रिसर्च पेपर है और तीन अस्कार कार्ड है फ्री आएगा पूरी दुनिया में हम देते हैं तो ये तो मेरे भाई मुकदमा लिखा हुआ है अच्छा आपको पता है हमेशा जब भी डिस्कशन होती होती है 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 ना तो बात बात ये कि जो तू कर रहा लिख के दे यार मैंने लिख के भी दे दी वीडियो में बयान कर दी अब क्या चाहते हो अच्छा मुझे कोई शौक नहीं इसे बात करने का ये अपनी पब्लिक को कह रहे थे कि इसके बातिल होने की दलील है ये सामने नहीं बैठता बस मैंने ये इतराज खत्म किया हाँ जैसे अल्लाह के नबी नबीलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया था ना तुम राय ना कह नहीं छोड़ दो उन जुर् करो साहब इकराम को इतराज को खत्म करने के लिए मैंने कहा यार ठीक है यार अब तुम लोग चाह रहे हो ना लो ये भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करा देता हूं चलो ये तो अभी शायद भाई को पता चलेगा ना जब मैं इनको कराची भेजूंगा ये जो अभी इस तरह उठा के मेरी वीडियो बना रहे हैं ना एनजी बनानी है लाइव उठू हाँ अंदर वर् जाना है उनको कहना निकल बार कर ठीक है ना वो गले फाड़ने वाला भी कहता है जी हमने इनको इलमी जो है वो मोबाइल लेके चैलेंज इलमी मोबाइल है <laughs> कल तक ये कहते थे तो ठीक हो ना बाकी चीजें साठी वर्गी तो तो मरे इस तरह कह चीज बयान कितिया जिंदन तो दो छदा दो दो तस्वीर परोए गए ने साडे वर्गी तो किसी ने बयान की है अल्लाह से डरे और ये इन, अपने इमामों के बता दें आयते मुबाला के ऊपर बताएं वो हदीस अधीश, हदीस मुबाला बयान करें और बताएं मेरा आजू सुनना में फिलिंग दी ब्लैंक्स किया है उसने इब्ने तैमिया ने उसने कहा कि मुआविया ने हुकुम दिया साद को सब करने का ये किस तरह बयान कर सकते हैं तो मेरे भाइयों हम तो सिर्फ बता ही सकते हैं बस तो फिर हो जाए सलावत بر محمد وعلى محمد آه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلوا على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين